जी स्वागत है आपका हमारे चैनल में। शुक्रिया, स्वागत है आपका भी और सभी को, भाई को मेरा नमस्कार। तो सर जी पहले अपना थोड़ा परिचय दीजिए हमारे किसान भाइयों को। मेरा नाम अब्बास रिजवी है, मैं ग्राम महल मेरठ का रहने वाला हूँ जी। तो सर बटेर पालन आप कितने दिन से कर रहे हो? सर मैं बटेर फार्म पिछले 4 से 5 साल से कर रहा हूँ और मैं हैचरी में लगभग तीन साल हो गए हमें। तो बटेर पालन जब आपने स्टार्ट किया था लगभग कितने चिक से किया था? सर हमने 500 चिक से स्टार्ट करा था जी। तो बटेर पालन का आपको आइडिया कैसे आया, इस लाइन में आप कैसे आए, तो इसके बारे में थोड़ा? ठीक है, जब हमने स्टार्ट करा था थोड़ा सा बटेर का काफी वो चल रहा था, तो उस टाइम पे हमने थोड़ा दिमाग में आया कि इसके बटेर फार्मिंग का करा जाए जी। उस टाइम पे आसपास में कोई बच्चा भी नहीं था, चंडीगढ़ से बच्चे लेकर आए थे जी। जी तो बटेर पालन कैसा बिजनेस है हमारे किसान भाई को बताइए, कोई किसान भाई करना चाहता है वो किन किन बातों का सर ध्यान रखे? देखिए बटेर फार्म में एक अच्छा प्रॉफिट, एक कम लो इन्वेस्टमेंट लो स्पेस में एक अच्छा प्रॉफिट वाला बिजनेस वाला काम है, प्रॉफिट वाला आदमी इसको कम इन्वेस्टमेंट से कर सकता है। ध्यान देखिए इसमें सबसे ज्यादा थोड़ा मार्केट पे फोकस करें जी, और जो ब्रूडिंग का मैनेजमेंट होता है थोड़ा ब्रूडिंग पे वर्क करें। ब्रूडिंग का जी। तो जैसे एक दिन का बच्चा लेगा है सर आप, तो उसका रख रखाव क्या होना चाहिए, क्या किन किन चीजों का सर ध्यान रखना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो एक दिन के बच्चे को टेम्परेचर का मेन सबसे पहला ध्यान की टेम्परेचर रखा जाए, 37.5 टेम्परेचर देते हैं हम सेल्सियस में जी। और सबसे ज्यादा बायो सिक्योरिटी का ध्यान रखे और अपना मैनेजमेंट साफ सफाई की ज्यादा व्यवस्था रखे। तो टेम्परेचर के लिए क्या कहाँ से टेम्परेचर मेंटेन करें? टेम्परेचर देने के लिए इलेक्ट्रिक हीटर इलेक्ट्रिक ब्रूडर आ रहे हैं जी जी, और आपका बुखारी आती है जी, और ये हमारे 100 वाट के बल्ब वगैरह होते हैं जी, इनका एक राउंड घेरा बना के हम उसमें टेम्परेचर की इसकी ब्रूडिंग कर सकते हैं जी। देखिए बायो सिक्योरिटी में हमेशा ध्यान रखें कि साफ बर्तन हमारे हमेशा सफाई हो के धुल के यूज हो जी, और जितने भी कोई बाहर का आदमी कोई फार्म से आ रहा है उससे आ रहा है तो उसको पहले जो भी बायोकेमिकल है उनसे करके फार्म में एंट्री, हर किसी आदमी को फार्म के अंदर एंट्री ना दे जी। जी जैसे आपने बताया कि एक हमें बताइए हमारे किसान भाई को जो बटेर पालन है सर कितने दिन में तैयार हो जाती है? सर देखिए बटेर अच्छी ब्रीड जो होती है वो 30 से 35 दिन के अंदर 180-200 ग्राम का एवरेज वेट गेन कर लेती है, और जो हमारे पास प्योर कैरी की ब्रीड है जी और चैलेंज के साथ 30 दिन में 180 का एवरेज बटेर में आ जाएगा जी, फिर अगर फार्मर उस पर अच्छा मैनेजमेंट करता है। कितने दिन बाद सर सेल होने लग जाती है? देखिए सेल का इसका ऐसा होता है 30 दिन का हिसाब कुछ नहीं होता, जहाँ आपकी बटेर 180 ग्राम एवरेज पर आ गई है तो उसका सेल करना स्टार्ट कर देता है फार्मर जी। सेल करना चाहिए सर जी। तो आपने सर ये सेल करने का बता दें सर, बटेर पालन के लिए जैसे एक दिन का बटेर ले गए आप जी, तो इसके रख रखाव के लिए क्या करना चाहिए, पहले दिन में क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, दूसरे दिन में क्या, तीसरे दिन में क्या, कौन सा जो फीड दिया जाता है, थोड़ा इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताइए। देखिए इसमें आप पहले तो गुड़ का पानी लगता है पहले दिन ही जी, उससे बाद में हम लिवर टॉनिक और ब्रोटोन वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सर इसमें बीमारी की बात की जाए बटेर में कौन सी बीमारी आती है इसके बारे में थोड़ा बताइए? अब तक तो 4-5 साल मुझे इसमें काम करते हो गए तो मेरी नॉलेज में अभी तक कोई ऐसी इसमें बीमारी आई नहीं, और जो साइंटिस्ट लोग इस पर डॉक्टर लोग वर्क कर रहे हैं उनका भी ये कहना है कि इसमें कोई बीमारी ऐसी आती नहीं है। फिर भी देखिए कुदरत का क्या कुछ हो जाए उसमें हम कुछ कह नहीं सकते, बट अभी तक इसमें कोई ऐसी स्पेसिफाइक बीमारी कोई है नहीं जी। और सर इसकी मार्केट की बात की जाए, यदि कोई किसान भाई इसे पालता भी है तो कहाँ सेल होता है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए मार्केट की बात करूँ जैसे हम अगर मेरठ बेल्ट से हैं तो मेरठ में बहुत बड़ा इसका हब बन चुका है जी, तो अच्छी खासी मार्केट मेरठ के अंदर है। गाजीपुर के बायरों ने यहाँ मेरठ में शॉप खोल चुकी है स्पेशली बटेर के लिए जी जी, क्योंकि यहाँ बटेर का इतना ज्यादा काम हो रहा है तो यहाँ पे फार्मिंग इसकी शॉप खोल ली है गाजीपुर में जी। मेरठ में सेल हो जाती है, दिल्ली में सेल हो जाती है, और जगह जगह लोकल वेंडर्स पे इसकी सेल्स है जी। तो जैसे कोई किसान भाई बटेर पालन करना चाहता है तो 1000 बटेर पालन के लिए सर कितना स्पेस की जरूरत पड़ती है? देखिए एक स्क्वायर फीट में 5 बटेर आती है जी, तो उस हिसाब से फार्मर अपनी व्यवस्था कर सकता है जी। यानी कि 1000 में 200 स्क्वायर फीट जगह, 200 स्क्वायर फीट जगह सफिशियंट है। और इसमें कितने वाटर निप्पल और कितने फीटर लगाए जाते हैं? देखिए आप 50 बटेर पे 1 लक्स लगा सकते हैं जी, वो सफिशियंट है जी। हम 50 बटेर पे हम 1 फीडर और ड्रिंकर दे सकते हैं जी। तो जैसे कोई बटेर पालन करना चाहता है ये कैसा बिजनेस है और हमारे किसान भाई किन किन चीजों का सर इस पे ध्यान रखें? देखिए बटेर एक मैंने जैसे पहले ही बताया कम स्पेस कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देता है जी, तो इस चीज में बटेर का बढ़िया काम है। और सबसे ज्यादा ध्यान थोड़ा मार्केट पर मेहनत करे किसान, वो कभी मार नहीं खाएगा। और एक बटेर पे सर कितने रुपए का सर खर्च आता है, कितने ग्राम सर वो फीड पा लेते हैं? एक बटेर पे हम मान के चलते हैं कोई अच्छी क्वांटिटी में पालता है तो उस पर लगभग 30 से 35 रुपए का मैक्सिमम खर्चा आता है, अगर ज्यादा मोर्टेलिटी वो फार्मर नहीं करता जी जी, इस पे खर्चा आता है। और एक 1000 बटेर पे सर कितने रुपए का बेनिफिट मुनाफा कमा सकता है? देखिए मैं बड़ा चला के अगर ना बताएं लोग बाग बहुत उल्टा बताते हैं, तो ऐसा है और सीजन की बात करें तो बल्क क्वांटिटी में
45 से 50 के बीच का बटेर का रेट चलता है जी। ये इस पे प्रॉफिट मान के चलो आप 10 मैक्सिमम 15 रुपए, मिनिमम 8-10 रुपए का प्रॉफिट चलता है। यानी कि एक सीजन यदि 1000 बटेर पे 8000 रुपए से लेके 15000 रुपए तक का बड़े आराम से बच जाते हैं। बच जाते हैं सर। कोई किसान भाई कर रहा है और एक दिन का बच चलेगा सर, तो इसे जो प्री स्टार्टर फीड कितने दिन तक दिया जाता है? देखिए प्री स्टार्टर आप पालना चाहें तो, देखिए फार्मर के ऊपर, अगर पालना चाहे तो 35 दिन भी प्री स्टार्टर पाल सकते हैं जी। क्योंकि बटेर को जो चाहिए होता है हाई प्रोटीन चाहिए होता है थोड़ा जी जी। जो अब यहाँ कंपनी फीड दे रही है बॉयलर, बॉयलर कंपनी का फीड बॉयलर के लिए स्पेशली ब्रॉयलर के लिए है जी जी। बॉयलर के मुकाबले पोल्ट्री फीड हमें बटेर में थोड़ा प्रोटीन लेवल ज्यादा चाहिए होता है जी जी जी। तो प्रोटीन में स्टार्टर से थोड़ा 1-2% प्रोटीन ज्यादा है, तो प्रोटीन भी प्री स्टार्टर 35 दिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना 10 दिन इस्तेमाल करने के बाद हम स्टार्टर यूज कर सकते हैं। स्टार्टर यूज अगर प्री स्टार्टर यूज करना चाहे तो कोई उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वो और अच्छा है जी। तो एक बार जो आपका स्ट्रक्चर है सर, स्ट्रक्चर वो दिखाइए, जो हमारे भाई किसान भाई स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं थोड़ा दिखाइए। ब्रीड की बात की जाए, कौन सी ब्रीड है सर आपके पास? हम भैया कैरी बरेली की ब्रीड है जी। ये प्योर ब्रीड है सर आपके पास? ये प्योर पेरेंट स्टॉक ब्रीड हमने वहाँ से परचेज करी थी जी जी जी। तो आप कितनी बटेर लेकर आए थे आप वहाँ से? सर वहाँ से हमने 3000 बटेर ली थी। जब से ये आपकी बटेर चल रही है, ये हम उसका पेरेंट्स फेल कर देते हैं, लास्ट सीजन अपने पास रोक लेते हैं जी। जो नए पेरेंट्स का बच्चा फिर हम सीजन में देते हैं जी जी। तो अब लगभग कितनी बटेर है सर आपके फार्म पे? अभी हमारे फार्म में 1500 बटेर पड़ी हुई है इस टाइम जी जी, जो हमें अभी और इसमें 2000 मादा और बढ़ानी है जी। तो सर आपका जो बटेर मैं दिखा दे रहा हूँ, 4 पार्टीशन है, तो लगभग कितनी कैपेसिटी का है आपका फार्म? ये 500 कैपेसिटी का एक पार्टीशन है जी जी, और 500 बटेर का एक पार्टीशन है, और हम तो इससे अलग हम तो केज में रखते हैं, और उससे हमारे अलग दो केज हो। हम तो 4000 पेरेंट्स की कैपेसिटी है जी। सर जैसे कि हमारे बहुत सारे किसान भाई है कि सब कहते हैं कि हमारे पे भी कैरी की ब्रीड है भाई, हमारे पास भी कैरी की ब्रीड है, तो आपको आपके पास क्या उसका सर्टिफिकेट वगैरह है कि कैरी की ब्रीड आपके पास प्योर है? कैरी की ब्रीड देखिए क्या है, जब भी आप वहाँ से परचेस करेंगे वहाँ पे प्रॉपर इनवॉइस जनरेट होती है, अगर आप पेरेंट स्टॉक परचेस करेंगे तो प्रॉपर वहाँ पे MOU साइन होता है जी, और वो हम पर है जी जी, ये हम पे इसकी वेरीफाइड है कि हम वहाँ से ब्रीड है। तो सर आपका जो स्ट्रक्चर है इसमें टोटल कितने रुपये का खर्चा आया था सर आपका? इसमें देखिए टोटल हमने खर्चा हमारा लगभग 2000 बटेर में हमारा 50-60 हज़ार का खर्चा आया था, थोड़ा हमारा शेड ये बने हुए थे पुराने जी जी, तो इसमें ऐसा हमने सिर्फ मॉडिफाई करा, कुछ ऐसा इसमें नया करा नहीं था जी। सर आपने जो 4 पार्टीशन बनाए हैं इनका मेन कारण क्या है सर? 4 पार्टीशन बनाने का, देखिए 4 पार्टीशन बनाने का मेन कारण ये है, इससे हमें आइडेंटिफाई होता है कि हमारे शेड में किसमें क्या अंडा प्रोडक्शन है, किसमें क्या प्रोडक्शन है, तो हम उस पर इजिली ट्रीट कर सकते हैं, और हम इसमें इन ब्रीड ना करा के क्रॉस ब्रीड कराते हैं जिससे फर्दर बच्चे की ग्रोथ अच्छी आती है जी। तो हम इसमें पार्टीशन में इजिली क्रॉस ब्रीड करा सकते हैं जी, तो ये हम इजिली आइडेंटिफाई हम अच्छी डेवलप ब्रीड कर सकते हैं जी। इसके बारे में थोड़ा बताइए ये क्या है सर? ये हैचर होता है जी, इसमें अगर हम बटेर की बात करें तो 14 दिन अंडा रहता है शटर में, लास्ट के 4 दिन अंडा रहता है हैचर में, जिसमें टर्निंग रुक जाती है, टेम्परेचर थोड़ा हैचर के मुकाबले कम कर देते हैं और ह्यूमिडिटी थोड़ी इंक्रीज कर देते हैं जी, ये हैचर कहला जाता है। इसमें कौन किस चीज का अंडा फिलहाल सर? अभी फिलहाल इसमें गिनीफोल का हैच हमारा निकल रहा है, एक छोटा सा अंडा था हमारे पास जो हम गिनीफोल का इसमें हैच निकल रहा है अभी। अच्छा, तो ये गिनीफोल का बच्चा निकल रहा है सर? हाँ जी। तो सर आपके जो हैचरी है कितनी कैपेसिटी की हैचरी है सर? अगर हम बात करें अपनी हैचरी की तो हमारी 32,000 बटेर की कैपेसिटी की मशीन है। इसका अंडा लगा रखा है सर? इसमें फिलहाल हमारा बटेर का, टर्की और गिनीफोल का अंडा लगा हुआ। अच्छा, बटेर है सर ये, टर्की है और गिनीफोल है, गिनीफोल का अंडा लगा रखा है सर? हाँ जी। फिलहाल कितना अंडा लगा रखा है सर आपने? फिलहाल इसमें बटेर का 10,000 अंडा है, गिनीफोल का 2,000 अंडा है, और टर्की का 1,000 अंडा है। 1,000 अंडा लगा रखा है सर। तो यदि कोई किसान भाई आपसे बटेर या गिनीफोल वगैरह का सर चिक्स लेना चाहता है तो अवेलेबल हो जाएगा ना सर ये? वो अवेलेबल हो जाता है जी। बटेर का तो हम पे मैक्सिमम हर टाइम अवेलेबल रहता है जी। गिनी का और टर्की का थोड़ा वेरिएंट रहता है, कम वेरिएबल रहता है, कम अवेलेबल रहता है जी, वो भी हम ऑर्डर पे अवेलेबल करा देते हैं। तो इसके लिए क्या प्रोसेस है इसका, क्योंकि किसान भाई आपसे लेना चाहता है तो थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए क्या है, जो भी जिस किसान भाई को चाहता है वो आके अपनी तसल्ली करे, सारी चीज वेरीफाई करे, जब जाके हमें बुकिंग दे जी। हमें पहले एडवांस बुकिंग चाहिए, बुकिंग अमाउंट चाहिए होता है, उसके बाद उनका ऑर्डर जो भी डेट हम पे कंफर्म होती है हम उनको वो डेट अलॉट कर देते हैं जी जी। तो एक बार मोबाइल नंबर और बताइए सर अपना। मेरा नंबर है 9528561117 जी। यदि कोई किसान भाई लेना चाहता है तो ले सकता है सर? ये बर्तन या फीड वगैरह यदि कोई किसान भाई लेना चाहता है, जैसे आपके पास चिक्स वगैरह अवेलेबल है, तो ये कहाँ से मिलेगा सर ये? देखिए बच्चा भी
और हमारे पास गोदरेज का फीड, हम पे डीलरशिप है गोदरेज की, हमारे गोदरेज का फीड नहीं मिल जाता है, और जो भी इनके पॉलिट्री इक्विपमेंट्स है वो भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं। यानी कि ए टू जेड चीज आपके पास मिल, ए टू जेड चीज हमारे पास अवेलेबल होंगे जी, तो ले सकता है आपसे आगे? हाँ जी बिल्कुल ले सकता है जी। तो धन्यवाद सर, ठीक है।